दिल्ली NCR में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि घरों में AC कूलर सब बंद हो गए हैं। कई लोगों के यहाँ तो ये कहना शुरू हो गया है कि सितंबर में ठंड का एहसास होने लगा है। दिल्ली ही नहीं, देश के कई और राज्य हैं जहाँ जमकर बारिश हो रही है। आइए जानते हैं दिल्ली NCR समेत राज्यों का कैसा मौसम का हाल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में झमझमाकर बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली NCR में शुक्रवार को करीब करीब पूरा दिन ही बारिश होती रही, जिसका सीधा असर घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर रहा। कई जगहों पर जलभराव की खबरें आईं, इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित रही। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि दिल्ली NCR समेत देश के अलग अलग राज्यों में कैसा मौसम है, तो मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आज मौसम ने वापस करवट बदली है। बारिश का दौर अब थम सकता है, इसका मतलब है दिल्ली NCR में मौसम खुशनुमा हो जाएगा। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में झमझमाकर बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के कई इलाके, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में एक दो जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। वैसे भी देश के कई हिस्सों में मॉनसून बेहद एक्टिव हो गया है, जिसके चलते बारिश का दौर थमता नहीं दिख रहा है। राजधानी के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार के दिन कई इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद बादल छाए रहने से मौसम विभाग की ओर से अधिक बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। इस दौरान दिल्ली में मध्यम और दक्षिण भागों में जमकर बरसात हुई। आज भी कई इलाकों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसका मतलब आज कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। हालांकि आज के बाद बारिश का दौर थम सकता है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। दिल्ली में दिन में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, ऐसे में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश के कारण कुल 31 सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया गया। इन सड़कों पर परिवहन बंद रहा। मौसम विभाग ने शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ हिस्सों में शनिवार तक मध्यम बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। आज भी राज्य में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तराखंड की बात करें तो अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार को भारी बारिश से बुरा हाल रहा। मौसम विभाग के मुताबिक कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में तेज बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। करीब 150 लोगों को उनके मकानों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। आज भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनजर राज्य भर में शुक्रवार को स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में कई जिलों में झमाझम बरसात हुई। राजधानी लखनऊ में भी बारिश से जुड़ी 10 घटनाएं सामने आईं। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के भी कई इलाकों में बीते 24 घंटे में भारी बारिश दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज से राज्य के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बूंदाबांदी और बादल गरजने की संभावना जताई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।